रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो सुपर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? आई रियली होप कि आप सब एकदम फिट फाइनर बढ़िया हो। आज का जो हमारा थॉट ऑफ द डे है, दैट इज स्मॉल चेंजेस इवेंचुअली एड्स अप टू अ ह्यूज रिजल्ट। आप लोगों ने वो स्टोन कटर की स्टोरी तो सुनी होगी ना, जिसमें एक पत्थर पे हमर मारा जाता है और पत्थर नहीं टूटता, फिर हैमर मारा जाता है दूसरी बार मगर पत्थर नहीं टूटता, तीसरी बार फिर हैमर मारते हैं मगर पत्थर नहीं टूटता, लेकिन एक ऐसा समय आता है जब हैमर मारते ही पत्थर टूट जाता है। कारण क्या था पत्थर टूटने का? क्या जो लास्ट वाला जो हैमर था वो बहुत ज्यादा फोर्सफुली मारा गया था, या फिर जो इनिशियली जो हैमरिंग करी जा रही थी उस पत्थर के ऊपर उसने उसको वीक कर दिया था? सोच के मुझे कॉमेंट में बताना। स्मॉल चेंजेस, स्मॉल एफर्ट्स बड़ा रिजल्ट लाके देती है। बच्चों, मेरी दादी जो थी वो एक कहावत कहती थी, सुनने में थोड़ा वियर्ड सा लगता है मगर दादी काफी एजेड थी, एंड सी यूज्ड टू से कि थोड़ा थोड़ा करके हाथी को भी खाया जा सकता है। मैं यहाँ पे नॉनवेज खाने को या फिर हाथी को खाने को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक मेरी दादी बूढ़ी थी एंड वो एक कहावत कहती थी। जब मैं कहता था कि दादी मुझे पढ़ना है और बहुत ज्यादा पढ़ना है, तो दादी कहती थी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेना, हो जाएगा। सी यूज्ड टू से इन माय लैंग्वेज, तनी तनी सा करके पढ़ ले, सब हो जाता। एंड आई वाज लाइक स्मॉल चेंजेस इवेंचुअली एड अप टू अ ह्यूज रिजल्ट। आपको पता है एक बर्फ है जो -4 डिग्री सेल्सियस पे, एक आइस क्यूब है जो -4 डिग्री सेल्सियस पे है, वो जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे आता है, 3, -3, -2, -1, 0, वो पिघलना शुरू कर देता है। क्या 0 डिग्री सेल्सियस में उतनी शक्ति है? हाँ बिल्कुल, लेकिन जो वो धीरे धीरे टेम्परेचर घट रहा था -4, -3, -2, -1, वो उस आइस क्यूब को इंटरनली वीक कर रहा था। तो स्मॉल चेंजेस जो होते हैं ना, वो बड़े रिजल्ट लाके देते हैं। और इसी तरीके से एक स्मॉल चेंज मैं लाना चाह रहा हूँ लेट्स चेंज सीरीज से, जिसमें आप सबने पार्टिसिपेट कर रखा है। इसका फेज 1 चल रहा है और आज हमारा 4th डे है, तो हम 19 को कट कर देंगे क्योंकि हम फेज 1 में है जो कि 22 डेज का है। एंड आप लोगों का ये कैसा चल रहा है मुझे बताओ। आप लोगों ने जो भी डिसाइड किया था छोटा सा गोल, उसके लिए क्या आप एफर्ट डाल पा रहे हो, और क्या आपके एफर्ट से आपको लग रहा है कि आप कर लोगे? खुद पे भरोसा रखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, छोटा बदलाव, छोटा छोटा बदलाव जो डेली आप लोगे ना, वो एक बड़ा सा रिजल्ट लाके देगी। लर्नर्स, डेली सुबह मैं एक ऐसा ही 6 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो जिससे किसी और को भी सीखने को मिलेगा, एंड मोर इम्पॉर्टेंट कि हमारा जो चैनल है वो ग्रो होगा, हमारी फैमिली ग्रो होगी। इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर जरूर करना, और मिलते हैं कल के वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।